इंदौर में पिछले कुछ समय में पशुओं खासकर स्ट्रीट डॉग्स के साथ क्रूरता के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला एक पालतू डॉग पर हमले से जुड़ा है। यहां पड़ोस में रहने वाले युवक ने एयर गन से 3 फायर कर डॉग को घायल कर दिया। पीपल फॉर एनिमल्स की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मामला अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी युवक की गिरफ्तारी और एयर गन जब्त करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। अन्नपूर्णा पुलिस के मुताबिक उन्होंने पीपल फॉर एनिमल्स की इंदौर इकाई की प्रेसिडेंट प्रियांशु जैन की शिकायत पर पुलिस ने मोहित पुत्र तेजपाल सिंह निवासी गुरु नानक कॉलोनी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक वंदना सोनी के पालतू श्वान पर मोहित ने अपनी एयर गन से हमला किया था। वंदना ने पीपल फॉर एनिमल्स की प्रियांशु जैन और नीडी टेल फाउंडेशन के कार्तिक तंवर से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि 7 जनवरी की दोपहर जब उन्होंने अपने डॉग को नेचर्स कॉल के लिए छोड़ा तो मोहित ने अपनी एयर गन से उस पर फायर कर दिया था। इस दौरान सोन जोर जोर से चीखने लगा। बाद में उसके शरीर से ब्लड निकलने लगा। उसे अस्पताल ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने एयर गन के छर्रे होने की बात कही। पुलिस के मुताबिक युवक यहां किराए से रहता है। चंदन नगर के मारुति पैलेस में पप्पू साहू नाम के व्यक्ति ने नशे में कुछ दिन पहले डॉग के पिल्ले के कान काट दिए थे। कॉलोनी के लोगों ने इस मामले में पशु हेल्पलाइन को जानकारी दी थी। पप्पू साहू पर केस दर्ज कर उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गृह मंत्री ने भी इस मामले में संज्ञान लिया था। इसके बाद में पप्पू को जेल भेज दिया गया। विजयनगर में 15 जुलाई की शाम 6:30 बजे आरोपी प्रशांत शर्मा निवासी महेशबाग कॉलोनी ने स्ट्रीट डॉग को डंडे से पीटा था, जिसकी वजह से उसकी आंख व सिर में सूजन आ गई और वह कोमा में चला गया। मामले में पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 तथा 428 के तहत आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया था।